हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज अहोई अष्टमी, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मंदिर लगा रही थी पहले, फिर मैंने कहा 2 मिनट रुकती हूँ, पहले रेडी होती हूँ फिर लगाऊंगी। मैंने यहाँ तैयारी तो कर दी थी सामान वगैरह की, पर लगाया नहीं, अभी लगाऊंगी। और गुड्डू सो गई आती, उसका यही है सोने का आती, तो मैं हो रही हूँ रेडी। मेरा पिन नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, मेरे से लग नहीं रहा, फिर वो अजीब सा हो रहा है, इसलिए मैं इसको रोक के मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि कहानी का टाइम यही होता है 3:30। हाँ, 3:15 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा जो है मेकअप कर लेती हूँ। और मैं नया सूट पहन रही थी, और इसने बोला, गुड्डू ने सोने से पहले, कि साड़ी पहन। मैं तो सुबह से गाउन में थी, नहा करके मैंने तैयारी कर दी थी शाम के लिए बहुत सारी, तो फिर इसने बोला कि नहीं सूट नहीं पहनना, वरना मैं नया सूट पहनने वाली थी। तो इतना साड़ी में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, फिर दूसरी बार बांध दिया ये मैंने, क्योंकि थोड़ा सा निकले जा रही थी। फोन आ रहा है। मेकअप का तो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि आप सभी लोगों को आता ही हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं मेकअप करने के। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगा दिया, जो कि सभी लगाते हैं, अगर कोई नहीं लगाता है तो लगाना चाहिए। उसके बाद बस ये फाउंडेशन लगाऊंगी, फेस पाउडर लगाऊंगी, हो गया मेकअप। अभी तो फाउंडेशन ढूंढ रही थी, अलमारी में पड़ा था, मैं यहाँ सारे में ढूंढ रही हूँ। पता नहीं फोन आए जा रहे हैं, कैसे उठाऊँ। पल्ला नहीं बन पाया है, और अभी मेकअप कर ही रही हूँ मैं। लिपस्टिक रह गई, लाइनर, लाइनर तो मुझे लगाना है, क्योंकि लाइनर मुझे बहुत पसंद है। ये वाली लिपस्टिक है, नई वाली, वो ही लगाऊंगी मैं। कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें भी साथ के साथ समेटती चलूँ। ये लाई थी मैं आई शेडो किट, सोच रही हूँ लगा लूँ क्या थोड़ी सी। तन में मोटर बंद कर दे, पिन नहीं लगा मेरा अभी तक। देखती हूँ भाभी आएंगी तब लगवाऊंगी, गुड्डू को देखती हूँ। गुड्डू से आता भी नहीं है पिन लगाना, फिर उसकी मेरी बहस ही हो जाएगी जब वो ठीक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो पिन ठीक से नहीं लगा पाती। चूड़ा ही पहन रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता था मैं ये साड़ी पहनूंगी। मैं अपने सूट के साथ, पिंक दुपट्टा है उसका, कलर तो कुछ कुछ यही है, मेहंदी ग्रीन। नया सूट है, वी नेक पे दिखाया भी नहीं आप लोगों को, तो इसलिए आप समझ भी नहीं पाओगे। तो मुझे तो वो पहनना था, मैं उसी के साथ लाइट पिंक कलर की चूड़ियाँ लाई थी कांच की, लेकिन अब इस साड़ी के साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। इसके साथ सिर्फ मेहरून कलर का कुछ जा सकता है, तो मैंने यही पहन लिया चूड़ा, और कुछ ऑप्शन ही नहीं था। मैं पिछले साल लाई थी ना हुई पे, ये वाली पहन ली। चलो मंदिर में चलते हैं। और जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है, ये व्रत संतान के लिए होता है। करवा चौथ का व्रत जो है हस्बैंड के लिए होता है, पति के लिए होता है, लंबी आयु के लिए होता है, और मतलब ऐसा कहा जाता है। और घर में सुख शांति के लिए होता है, और जैसे अहोई अष्टमी है तो ये बच्चों की लंबी आयु के लिए होता है, घर में सुख शांति के लिए होता है। और चलो अच्छे अच्छे मन से अच्छी अच्छी से पूजा करते हैं। अहोई माता सबके बच्चों को जो है सद्बुद्धि दे, अच्छा इंसान बनाए, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। चलो जय अहोई माता की, अंदर चलते हैं, पूजा करते हैं। पूजा नहीं मतलब तैयारी करते हैं, माता को रखते हैं, फिर मैं ही भर के रख देती हूँ होई भी, क्योंकि फिर कहानी सुनने का टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, और मैं रेडी हो गई हूँ। डालते हैं, ये मोती होते हैं जो बच्चों के नाम के डाले जाते हैं, एक तन्मय के नाम का। गुड्डू के नाम से ही मैं व्रत रखने शुरू कर दिए थे मैंने, जब गुड्डू हुई थी, गुड्डू के बाद जो पहली हुई पड़ी थी, मैंने तो व्रत शुरू कर दिए थे।
क्योंकि मैंने सुना है कि ये व्रत बेटों के लिए होते हैं। मेरी हो ही बड़ी है, चेंज नहीं हो सकती, मुझे चेंज कराने का मन है, पर शायद चेंज करते नहीं है, कोई देख रहे हैं। अब ये कैसे करूँ, ये डालते हैं भगवान, हो ही माता है ये, तो ये मैंने डाल ली। अच्छा, तो मैंने शुरू से गुड्डू के लिए व्रत रखा है, जब गुड्डू की पहली हुई थी तब से मैं व्रत रखती आ रही हूँ। हाँ, मेरी ये नहीं बनी थी क्योंकि मेरी सास ने बोला था मेरी है तो मत बनवा। मैं आपको भाभी का सामान दिखाती हूँ। गुड्डू किचन में बर्तन वगैरह कर रही है, टिफिन वगैरह वो कर लेती है, तो भाभी के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैंने सोचा था भाभी दिखाएंगी, पर भाभी तो बहुत लेट वीडियो बनाती हैं, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। मैं उनको बोलती रहती हूँ भाभी टाइम से वीडियो बनाओ, सच में उनको ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको यहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है जो कि उनको हर महीने भी नहीं होती है, क्योंकि एक तो वो थोड़ा रेगुलर नहीं रहती है उस वजह से भी। तो चलो मैं भाभी का सूट दिखाती हूँ, खोल करके भाभी दिखाएंगी, पर वैसे सारी चीज़ें दिख ही जाएंगी। चलो, एक तो मेरे कड़ों ने मेरी पूरी दाढ़ी खराब कर दी, कपड़ा खींचे खींचे जा रहा है। शैन, मैं अभी चेंज कर लूँगी कपड़े। तो भाभी का ये वाला सूट है, ये वाला कलर समझ ही नहीं आ रहा था, पहले रेड और पिंक देख रही थी, फिर मुझे पता है रेड और पिंक भाभी बिल्कुल भी नहीं पहनेंगी। तो क्या नाम है, जामनी कलर का अभी दिया था करवा चौथ पे, वो पूरा सूट मैंने ओपन करके नहीं दिखाया था, थोड़ा सा ही दिखाया था, और ये वाला भी मैं इतना ही दिखा रही हूँ। तो ये भाभी का सूट है, और इसमें मैं थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रख देती हूँ, मुझे ये लगता है सिंदूर वगैरह खेलना जाए। तो ये कड़े हैं, ये वाले डेली वेयर्स में या जिस तरह से भी भाभी को यूज़ करने हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलती कि आप ये करना उसका वो करना। हाँ, सूट मैं पूरे उससे देती हूँ कि भाभी सिलवाएं, और वो सिलवाती भी हैं। थोड़ा सा कलावा देना तन में, थोड़ा सा जो कलावा नहीं होता मंदिर में पड़ा हुआ है ऐसा, वो पूरी उठा के लाना गुच्छी। ये है रुमाल, ये भी मैं सीने लगा देती हूँ, ऐसे लगा के सामान बहुत अच्छा लगता है, बाद में मैं आपको दिखाती रहूंगी। बिंदी का पत्ता, रबड़ ले आई हूँ, उस टाइम मैंने क्लेचर लिया था, तो इस टाइम पे मैंने ऐसे ही जो है वो ले लिया, क्या ले लिया, रबड़ ले लिया। नील पेंट रिमूवर, ये मैं इसमें नहीं रख रही हूँ, अलग से रख रही हूँ, मैंने कहा उनके काम आ जाएगी। हाँ, सिंदूर रख रही हूँ, श्रृंगार का सामान रखा जाता है ना, तो वो रख रही हूँ। और भाभी को ना मश्कारा लगाने बहुत पसंद है, भाभी को मश्कारा लगाना, लाइनर वगैरह उनको कुछ नहीं पसंद इतना उनको ये पसंद है। तो उनको मैंने एक बार दिया था तो वो उनको नहीं सूट किया, तो वो कहने लगी मुझे ब्लू हेवन, मतलब वो ये वाला कहना चाह रही थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। ले आए, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करके पढ़ लूंगा, एक बार करूंगा फिर पढ़ लूंगा। नहीं, या आप टीवी देख रहे हो, आपने स्कूल से आके टीवी देखा, अभी आप थोड़ी देर टीवी देखोगे टीवी बंद होगा, फिर मम्मी नाराज होगी, चलो जाओ। चलो, ये नेल पेंट लेकर आई हूँ, अभी भी शायद पिंक कलर ही था, मैं तो कलर भी भूल गई अभी दिया था। एक ये फेस वॉश लेकर आई हूँ उनके लिए, ये वाला, ये पाउडर, बस इसके अंदर यही सामान है, तो ये मैं अलग से रख दूंगी रश्मि कलेक्शन के थैले के अंदर ऊपर से करके, ठीक है। अभी आपको दिखा दूंगी एक बारी, डोरी का तागा रख दिया शुभ के लिए, मैं देख देख के ही सीख रही हूँ सबको कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। अब भाभी के लिए जो आज के बायने में स्पेशल चीज है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उनके लिए वो चीज लूँ जिसकी उनको जरूरत है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, जैसे कोई हमें कुछ दे रहा है, अगर वो हमें हमारी जरूरत का मिल जाता है तो हमें ऐसे लगता है यार, है ना, अच्छा लगता है। और भाभी जो है अपने लिए वैसे भी कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करती हैं, आप लोग भी देखते ही हैं, तो फिर मुझे रहता है कि कुछ लूँ। अब सैंडल्स मैं उस दिन भाभी मेरे साथ थी, मैं तभी लेना चाह रही थी, लेकिन भाभी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी,
तो फिर मैं अभी मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उनके लिए ले आई हूँ। वैसे मैंने उनको दिखा दिए, उनको पसंद आए हैं, तो ये भाभी के लिए हैं। कैसे लगे अब आप लोग बताना। उनका मेरा साइज लगभग लगभग बराबर ही है, तो ये मैं भाभी के लिए लेकर आई हूँ। कैसे लगे आप लोगों को? भी अच्छे ही लगे होंगे, भाभी को भी बहुत पसंद आए। मैंने कल दिखा दिए थे उन्हें, तो उस करवा चौथ पे मैंने किट वगैरह ले ली थी। होई पे कह रही हूँ, तीज गई थी उसमें मैं उनके लिए बहुत सुंदर से कड़े वड़े लेकर आई थी, अच्छा अच्छा मेकअप का सामान लेकर आई थी ताकि उनका यूज में आ जाए चीजें। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने आपको। तन्मय मुझे इसमें पैसे रखने हैं, तो मैं सोच रही रख दूं अभी। बेटा जी पर्च दे दो। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अब मुझे खाना बनाना है। बहुत सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, छोले मैं बना चुकी हूँ और अरबी की सब्जी मैं बना चुकी हूँ, रायता बना के रख चुकी हूँ, चावल साफ करके रख चुकी हूँ, आलू में सीटी लग चुकी है, बस वो अभी सीटी निकलनी बाकी है। लाओ रख दोगे वापस से? मैं रख दूं? चलो मैं रख दूंगी। आप तो सारा सामान मैंने सेट कर दिया है, देखो इस तरीके से। कुछ सामान जो मैंने दिखाया था इसमें ही है वो, और सूट का कलर बहुत सुंदर है। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कलर कौन सा कलर, तो इस तरीके से देखो सब सेट कर दिया है। हाँ, इसमें भी कपड़ा लगाना पड़ेगा मुझे कुछ ना कुछ। और तो आपको सामान दिखाने के बाद थोड़ी देर बैठी होंगी, 10-15 मिनट फ़ोन फान देखा होगा, फिर आ गई थी मैं किचन में। और फिर जो है यहाँ पे मैं बर्तन क्या मतलब एक कुकर साफ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना चावल छौंकने हैं। चावल मैंने धो के रख लिए हैं, कुकर चाहिए था क्योंकि कुकर में आलू उबले थे तो खुशी ने उनको छील दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं ये कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है जल्दी भी हो जाता है काम जब आपको किसी की हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं हलवा बनाने लगी थी। आप देख रहे हैं दूसरी साइड कुकर चढ़ा हुआ है, सीटी भी आ चुकी है चावलों में, तो मैंने जो है फिर दूसरी साइड ये वाली कढ़ाई चढ़ाई और इसमें जो है सूजी का हलवा बना रही हूँ। हलवा पूरी का भोग लगेगा। तो यहाँ पे देखो हलवा कितना बढ़िया लग रहा है, रंग हो टेक्सचर हो बहुत गजब का लग रहा है। खाने का मन हो गया था देख के कि भाई हलवा अच्छा बना है। मेरा ना हलवा जो है ठंडा अच्छा नहीं लगता, गरम गरम जब बनता है तभी मन होता है। तो देखती हूँ किसी दिन स्पेशल बनाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि जब तक ये खाने की बारी आती है ना तब तक वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर फिर अभी आलू की पिट्ठी बना रही हूँ, क्योंकि आलू की कचौड़ी बनेगी आज हमारे यहाँ पे। तो मेरा मन था कि कुछ होई पे जब बनाऊँ तो जो पूरी है वो सादी ना बनाऊँ, मतलब पूरी तो बनेगी 5-7 या 7-8, पर कचौड़ी भी बनेगी और बच्चों को भी कचौड़ी पसंद है तो कुछ अलग सा हो जाता है, क्योंकि कचौड़ी वगैरह रोज़ नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे विपिन आए हुए हैं, मतलब थोड़ी देर पहले आए हैं। तो फिर आने के बाद जैसे फ़ोन वोन पकड़ना, क्योंकि अगर कोई फ़ोन पकड़ लेगा तो ठीक है, वरना तो फिर वीडियो नहीं बन पाता है। जैसे मैं दिन में बना रही थी तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, अगर कोई होता है ना फिर तो बहुत सारा। और पता है ये वीडियो ना बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, मैंने एडिट कर दिया बहुत ज़्यादा। 50 मिनट का वीडियो हो रहा था, अब ये लगा लीजिए पूरा आधा वीडियो मैंने उड़ा दिया। बहुत सारी बातें की हुई थी आप लोगों के साथ, वो सब कट कर दी कि चलो किसी और दिन कर लूँगी बातें आप लोगों से। या फिर क्या होता कि ये वीडियो दो पार्ट में जाता, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो। बहुत देर तक मैं यही सोचती रही एडिटिंग करते हुए कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर एट द एंड मैंने सारा वीडियो उड़ा दिया आधा, और आधा रखा और फिर आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। शेयर मतलब जब आप लोग मेरी ये आवाज़ सुन रहे होंगे तब तक तो आप देख रहे होंगे क्या कह रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो पूरियाँ बनाई, फिर कचौड़ी बनानी शुरू कर दी थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, भाभी की थाली लगा रही हूँ और साथ में माता रानी के लिए जो पूजने के लिए होता है वो भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो है हलवा पूरी कचौड़ी अरबी की सब्जी छोले रायता सलाद चावल सब कुछ रख लिया है। देखिए सब कुछ बन चुका है। एक सब्जी मैंने सूखे आलू बनाए थे बच्चों की वजह से, वो मैंने अलग ही मतलब जरा से बनाए थे, वो थाली के उसके करके नहीं बनाए थे, टिफ़िन की वजह से बना दिए थे। मैंने कहा सूखे आलू, क्योंकि पूरी बनाई थी ना आलू की, तो वो मैंने अलग निकाल के कुछ आलू वो भून दिए थे। तो कह सकते हो तीन ही सब्जी बनी थी,
फिर मैं बैठ गई हूँ थाली ला के पूजा करने के लिए। बायना मिनसूंगी और होई माता की पूजा करूँगी। आप लोग भी पूजा कर लीजिए और आप लोगों के यहाँ कैसे होती है। और ये पूजा मेरी मम्मी बता रही थी कि बायना जो है, मेरी मम्मी बोल रही थी बायना गादड़ बोलने से पहले करा जाता है, मतलब 9-10 बजे नहीं करना चाहिए, 8 बजे से मतलब 7 बजे से मम्मी बोल रही थी 7-7:30 तक कर लेना चाहिए। अगली बार और कोशिश करूँगी। अब की बार मेरे को शायद 7:30 ही बज गए थे, 7:30-8:15, तो मैंने पूजा करी। फिर मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ पे, भाभी को वो देने के लिए, बायना देने के लिए। और साथ में जो है फिर आकर मैं करूँगी तारे महाराज की पूजा, क्योंकि होई के व्रत करके तारे की पूजा होती है और जो करवा चौथ का व्रत होता है उसकी पूजा होती है चांद को देखकर। तो इस तरीके से होता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ डिटेल में। जी से रहो, एक और बेटा दे दे भगवान। चलो आप भी पैर छुओ। उस दिन भी नहीं छुए थे ना, उस दिन भी खेलते थे। हलवा ही खा लूंगी। नहीं नहीं अरे नहीं, मैं पानी पीऊंगी बस, बाद में खा लूंगी। तन्ने अंधेरा छोड़ दो बेटा, उधर खड़े हो जाओ। बस 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 बस, पकड़ कैसे रखा है, ग्लास छोड़ नहीं रहा। बहुत अच्छे कोई नहीं पीछे रुक जा भाई। अरे आसमान की तरफ देख के वो कर दो, सब जगह वही है। तुम लोग आई हो, वही आगे खड़ा हुआ है। मैंने टेम्परे वो सही करके दिया है, मतलब मीडियम मीडियम ठंडा है, जैसा आपको देती हूँ ऐसे वाला। मैं तो आजकल टंकी का पी रही हूँ, आप भी आए। मैं भी व्रत की वजह से, मौसम चेंज हो गया ना, टंकी वाला भी सही लगता है ठंडे बनने में। तो खाना खा लिया है और आप लोगों को तो मैंने भाभी की प्लेट ही दिखवा दी थी, मैंने नहीं दिखाई थी। इन लोगों ने बॉल इतने उलझ गए ना, और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप कुछ हेयर स्टाइल वगैरह ये वो, मुझे नहीं आता, मुझे हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ। खुशी मांझ रही है बर्तन कल नेहा नहीं आने की, मतलब वो कह रही है मैं आऊँगी, पर वो 1 बजे के लिए कह रही है, 1 बजे तक बहुत लेट हो जाएगा मुझे शॉप पे जाना है। मैं आज भी नहीं गई थी शॉप पे, अब मैं कल के लिए छुट्टी नहीं कर सकती हूँ। इस साड़ी के इतने धागे खींचे हैं भाई मेरी अंगूठी से और कड़े से, ये धागा खींच गया, ये देख रहे हैं आप, ये इतनी सुंदर साड़ी है, ये मेरे कड़ों से, ये जो मेरे कड़े हैं ना ये बहुत धागा खींचते हैं,
पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धागा खींचते हैं। और भाई देखते हैं अब मासी और उसे मिलने जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या करते हैं। गए भी तो थोड़ी देर के लिए जाएंगे क्योंकि मासी और आ चुके हैं हरबतपुर में, मासी अंकल जी दामनी मनीष भैया बच्चे, तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कैसे रहता है। कल तो जाएंगे ही जाएंगे, तो भाभी को पूछा था अभी, भाभी को जब पूछा था अभी तो हो गया होगा उस बात को आधा घंटा, तो भाभी कर रही थी, भाभी अकेले करती हैं, मेरे को तो फिर भी हेल्प हो जाती है। देखो एक तो सबसे बड़ी हेल्प मुझे नेहा की है तो वो हो जाती है, फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दोपहर में कर दी थी, और फिर अभी जैसे शाम के टाइम था आलू बनने रख दिए थे मैंने खुशी के आने से पहले, वो कॉलेज गई थी, फिर उसके आने के बाद जैसे उसने आलू वालू छीलना आटा लगा दिया वो कर दिया था, मैंने चावल वगैरह छोंक दिए थे धो धा के, और पूरी कचौड़ी बनानी शुरू कर दी थी। वो तो वो भी कह रही थी कि मैं बना दूंगी, पर मेरे से ना ऐसे बैठा नहीं जाता कि मैं यहाँ बैठी रहूँ और कोई किचन में बना रहा हो बच्चा। हाँ अगर मैं किचन में ही हूँ तो मैं हेल्प ले लेती हूँ, वो भी अगर ज़्यादा जल्दी है, मतलब कुछ त्यौहार वाला काम है या ज़्यादा काम है तो, वरना मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो अभी तो मुझे सच में लग रहा था कि थकान सी, तो मैंने वो बर्तन मांज रही है, और एक दो चीज़ मैंने विपिन को भी बोल दी थी कि यार कर दो, क्योंकि मेरे को ना इस टाइम खा के ना भारी भारी सा हो गया है। पहले मैंने अर्घ दिया भाभी को दिया, उसके बाद मैं दोबारा से बनाने लगी थी बायना निकाल के, क्योंकि मुझे पानी का हो रहा था कि मुझे पानी पीना है, तो पानी पी लिया था मैंने तारे को अर्घ दे के और बायना निकाल के, क्योंकि आप बायना निकाल दो तारे को अर्घ ना दो तब भी पानी नहीं पी सकते, और तारे को दे दो शायद बायना, मतलब दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। और देखो जी पूरा साल हम वेट करते हैं इन वाले त्योहारों का जो ये एक साथ आते हैं, बहुत सोना सोना हो जाता है उसके बाद। अभी करवा चौथ भी गया, नवरात्रे भी गए, दशहरा भी गया, और होई भी गया समझो, अब दिवाली आएगी, दिवाली भैया दोज गोवर्धन, हमारे यहाँ तो शादी भी है, 4 तारीख की शादी है शायद, छोटू की चाची आई थी आज, ना भी आती हम तो तैयार थे कि ये चीज़ उसके लिए, ये चीज़ उसके लिए। और हाँ ये वाला ब्लॉग देखेंगे आप, कल मैंने शॉपिंग वाला ब्लॉग बनाया था, उसमें शॉपिंग शेयर की आप लोगों के साथ, जो गुड्डू तन्मय विपिन और घर के लिए दिवाली वाली जो शॉपिंग होती है वो, जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, थोड़ी बहुत तो नहीं काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है, तो वो सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा इससे अगले वीडियो में। पहले होई का वीडियो आप लोग देखेंगे, फिर आप शॉपिंग का वीडियो देखेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि एक दो दिन मेरा कोई मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, कल मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो पीछे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि अब मेरे पास जो शॉपिंग वाला व्लॉग है वो परसों चला जाएगा, होई वाला कल चला जाएगा बस। और आजकल तो फिर भी मेरे व्लॉग जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जब घर पे होते हैं बहाने मिलते हैं चीज़ें होती हैं तो व्लॉग बन भी जाता है, काफ़ी लंबे लंबे व्लॉग बन रहे हैं। और कैसा लगा, साड़ी तो मैंने अपनी ये पुरानी ही पहनी थी, पुरानी क्या एक ही बार पहनी हुई है तो ये पहनी थी, और नेल पेंट मैंने रात में चेंज कर लिया था, मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ, लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये रेड और मैरून नहीं है, ये वाइन सा शेड है, मैंने डार्क करके लगाई थी क्योंकि डार्क लिपस्टिक कुछ इस तरह का हो तो अच्छी लगती है, मुझे वैसे भी डार्क कलर पसंद है, वो तो मैं अब फिर भी लाइट कलर पहनने लगी हूँ। तो आज वाले कमेंट्स तो मैं पढ़ ही नहीं पाई हूँ, जो आज आप लोगों ने वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया है कि भाई क्या, क्योंकि आप सभी लोग पूछ रहे थे कि ये कितने का है वो कितने का है, तो मैंने विपिन से पूछा और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कान वान के सब निकाल दिए, तो मेरे दर्द कर रहे थे कान। सबसे पहले ना लेडीज़ रेडी होती है, जाती है कहीं से, आती है सबसे पहले इयररिंग्स निकालती है, करते हो ना आप लोग ऐसा। मैं खाना बाद में खाया, पहले मैंने इयररिंग्स उतारे, गले का उतारा, तब मेरे को ऐसे लगा हाँ मैं अब ठीक हूँ, उससे पहले मेरे को ऐसे लग रहा था मैं ठीक नहीं हूँ। तो अभी ना बस सर में दर्द हो रहा है, सोने का मन कर रहा है, पर देखती हूँ विपिन आए तो हम मिलके आए। मैंने थोड़ा सा आई शेडो लगा लिया था, थोड़ा सा जो नया वाला था ना वो दिख भी नहीं रहा मेरे को, डार्क सर्कल है भाई। चलो बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।